हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक के यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके, हमारे पास एक्सरसाइज 14.1 का फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन इस तरह से गिवन है कि 30 वुमन वेर एग्जामाइन इन द हॉस्पिटल, कितनी वुमन 30 वुमन है, बाय डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ द हार्ट बीट पर मिनट वेर रिकॉर्डेड एंड समराइज एज फॉलो। कि उसकी हार्ट बीट है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको समराइज इस तरह से टेबल में किया गया है कि कितने वुमन है, टोटल नंबर ऑफ वुमन है, वो नंबर ऑफ द वुमन, टोटल नंबर ऑफ द वुमन कितनी है, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 30 है। कि और द हार्ट बीट पर मिनट, कि जिसकी हार्ट बीट 65 to 68 है, ऐसे टू वुमन है, 68 to 71 है, वो ऐसी 4 वुमन 71 से लेकर 74 वाली 3 वुमन, कि उस तरह से टेबल गिवन है। नाउ आपको फाइंड आउट करना है मीन हार्ट बीट कितनी है। कि देर आर, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों ने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं। कि यहाँ पे आपको वीडियो थोड़ा लेंदी लगेगा बट वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 डिफरेंट मेथड है, तीनों मेथड को एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, कि इसलिए थोड़ा लेंदी बनेगा बट आप लोगों के लिए ईजी रहेगा समझने के लिए। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल है एफ आई, आपको फाइंड आउट करना है एक्स आई। एक्स आई यानी कि इन दोनों का मिडल वैल्यू, 65 और 68 के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 3 का डिफरेंस होता है, 3 का हाफ कितना होता है 1.5, तो क्या इसमें 1.5 ऐड करते था तो कितना होगा 66.5, कितना होगा 66.5। नाउ 68 में ऐड करो तो 69.5, 71 में ऐड करो तो 72.5, नाउ 74 में ऐड करो तो क्या होगा 75.5, इसमें ऐड करोगे तो 78.5, फिर इसमें ऐड करोगे तो 81.5 और इसमें ऐड करोगे तो 84.5। नाउ अब आपको जो जरूरत है वो क्या है, तो एफ आई एक्स आई। तो मेरे ख्याल से एफ आई एक्स आई वाली बहुत लेंथी मेथड हो जाती है, क्या होती है, लेंथी मेथड हो जाती है, बट हमें यहाँ पे आपको सीखनी ही है कैसे भी करके। तो यहाँ पे हम समझते हैं, 2 into इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 5 10 का 0 carry 1, 2 6 12 + 1 6 13 का 3 कैरी 1, 2 6 12 + 1 13 सॉरी, नाउ 4 5 20 का 0 कैरी 2, 9 4 36 + 2 38 का 8 कैरी 3, 6 4 24 + 3 24 + 3 27, 278.0। नाउ 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 2 6 + 1 7 7 3 21, 217.5, 8 5 40 का 0 carry 4, 8 5 40 + 4 44 का 4 carry 4, 8 7 56 + 4 60, now 7 5 35 का 5 carry 3, 7 8 56 + 3 59 का 9 carry 5, 7 7 49 + 5 50, 4 5 20 का 0 carry 1 sorry 2, 4 1 4 + 2 6, 4 8 32, now इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 5 10 का 0 carry 1, 4 2 8 + 1 9 और 8 2 16। okay, now इस तरह से आपको जो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हम लिख लेते हैं। okay, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या होगा, 0 + 0 + 5 + 5 यानी कि 10 10 का 0 point carry 1, 3 + 1 4, 4 + 8 12, 12 + 7 19, 19 + 4 23, 23 + 9 32, 32 + 6 32 + 6 38, 38 + 9 7 47, 47 + 7 carry 4, 3 + 4 7 7 + 7 14 14 + 1 5 15 15 + 4 15 + 4 19 19 + 2 21 21 + 6 27 + 7 carry 2 2 + 1 3 4 5 6 7 7 + 6 13 13 + 5 18 18 + 3 19 20 21 22, two to seven. अब यहाँ पे आंसर आपका राइट है कि रॉन्ग है वो हमें बाद में पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये आपकी पूरी मेथड तो बाद में करते हैं। नाउ अब हम करते हैं डी ए फाइंड आउट करते हैं। डी ए यानी कि क्या होता है, एक्स आई माइनस ए।
तो अब हम यहाँ पे इसको कोई भी एक को xi वाला मिडिल क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं, जो मोस्ट मिडिल वैल्यू है उसको a सिलेक्ट कर लो, क्योंकि इसको आप जीरो कहेंगे, कि हर एक में कितने का डिफरेंस है, थ्री थ्री का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, थ्री थ्री का, तो यहाँ पे आप थ्री का टेबल लिख दो, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, ना नीचे थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन। अब दोनों का एफ आई डी ए कर दो, एफ आई डी ए और एफ आई यू आई एकदम ईजी रहेगा, इसलिए हमें मोस्टली ये यूज करते हैं, एज्यूमिंग मेथड या तो डायरेक्ट स्टेप डिवाइस मेथड। टू नाइन जा माइनस एट, सिक्स फोर जा माइनस ट्वेंटी फोर, थ्री थ्री जा माइनस नाइन जीरो, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, नाइन टू जा एटीन। अब इन दोनों का सम कर दो चलो फटाफट, तो 18 प्लस 9 27, 27 प्लस 24 27, 7 प्लस 4 51 का 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 51 माइनस 51 अब यहाँ पे तो 4 12 प्लस 1 13, 13 का 3 कैरी 1 63, तो आपका एफ आई डी ए क्या मिल रहा है, एफ आई डी एज इक्वल टू 63 माइनस 51 करोगे तो कितना मिलेगा 12। अब यहाँ पे हम यू आई करते हैं, क्या करते हैं यू आई, यू आई के लिए नॉर्मली यहाँ पे जीरो लिख दो, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, नीचे वन टू थ्री एफ आई यू आई। अब टू थ्री जा माइनस सिक्स, फोर टू जा माइनस एट, थ्री वन जा माइनस थ्री जीरो, एट वन जा एट, सॉरी एट वन जा एट नहीं, सेवन वन जा सेवन, फोर टू जा एट और थ्री थ्री, थ्री टू जा सिक्स। अब इन सब का एडिशन, तो सिक्स प्लस नाइन, नाइन प्लस एट सेवनटीन, माइनस सेवनटीन, और यहाँ पे क्या आता है, सिक्स प्लस एट फोर्टीन, या तो सेवन प्लस एट फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी वन, क्या मिल रहा है ट्वेंटी वन। तो एफ आई यू आई आपको क्या मिलेगा, एफ आई यू आई इज इक्वल टू थ्री नहीं बट फोर। अब हम यहाँ पे तीनों मेथड से सॉल्यूशन पाए हुए, तो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड हमारी, डायरेक्ट मेथड डीएम लिख देता हूँ, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। जो एज्यूमिंग मेथड है, एज्यूमिंग मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी ए अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। एंड स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। मेरे ख्याल से आप लोगों को इजी रहेगा स्टेप डिवीजन मेथड, तो हम लोग यहाँ पे पहले स्टेप डिवीजन मेथड के बीच यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हमारे पास है 75.5 प्लस एफ आई यू आई कितना है 4, समेशन ऑफ एफ आई कितना है 13 और एच की वैल्यू क्या है 3। तो नॉर्मली 3 10 जा 30, सॉरी 10 बचेगा, 4 डिवाइड बाई 10 यानी कि क्या हो जाएगा 75.5 प्लस 4 डिवाइड बाई 10 यानी कि 0.4, दोनों का एडिशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाता है 75.9 आपका फाइनल आंसर एक्स बार की वैल्यू मिलेगी। नाउ यहाँ पे ए वाला, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 75.5, एफ आई डी ए कितना है 12 डिवाइड बाई 13, एफ आई कितना है 13, यहाँ पे क्या होता है 4 3 जा और 10 3 जा, 3 3 कैंसिल, 4 बाई 10 यानी कि क्या होगा 75.5 प्लस 0.4, आपका फाइनल आंसर 75.9 ही आपका फाइनल आंसर होगा। और इस मेथड के भी यहाँ पे कोई गलती होगी तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 2277 डिवाइड बाई 30, तो अब नॉर्मली पहले 2277 को हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2277 लेकिन आप लोगों को नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर लिख यहाँ पे लिख देता हूँ 2277 डिवाइड बाई 3, 37 जा 21 का 1 कैरी 1, ऊपर चाहिएगा 7, 3 5 जा 15 का 5, नीचे क्या बचेगा, क्या बचेगा 2, ऊपर जाएगा 7 और 3 9 जा 27,
तो 759 डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 75.9 आपका फाइनल आंसर मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोस। आई होप कि आप लोगों को ये सारा सम समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना, और आपके पास कोई नए क्वेश्चन हो तो हमारे यहाँ पे आपको डिटेल्स के अंदर हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हो, तो आप लोगों का उसका सोल्यूशन मिल सकता है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोज़।